उत्तर प्रदेश के मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव की जुबान एक बार फिर फिसल गई है। शिवपाल यादव आज इलाहाबाद में ये बोल गए कि कमीशनखोरी में कोई कमी नहीं रहेगी। दो दिन के अंदर शिवपाल की जुबान दूसरी बार इस तरह से फिसली है। एक दिन पहले शिवपाल ने यह कहकर हंगामा मचा दिया था कि अगर काम ठीक करे तो छोटी मोटी चोरी भी चलेगी। हालांकि उस बयान से शिवपाल पलट गए थे। उन्होंने उस वक्त पूरा जो दोष है वो मीडिया पर मढ़ दिया था कि जहां पर मीडिया को नहीं रहना चाहिए था वहां पर वो थे, और जो बयान था उसे गलत तरीके से पेश किया गया। पर अब देखिए, दो दिन के भीतर ये दूसरा बयान शिवपाल यादव का आ गया है। उनकी जुबान इस तरह से फिसली है कि वो ये कह गए हैं कि कमीशनखोरी में कोई कमी नहीं आएगी। जाने शिवपाल यादव का मतलब क्या था, लेकिन दूसरे दिन, दो दिन के अंदर जो ये विवादास्पद बयान आया है उसने वाकई तमाम सवाल खड़े किए हैं कि अगर एक वरिष्ठ नेता इस तरह की बातें कर रहा है तो फिर क्या सीख आखिर अधिकारियों को दी जा रही है। आइए आपको सुनाते हैं कि शिवपाल यादव ने क्या कहा है। तो निर्देश दे दिए है कि पूरी तरह से और समय से और क्वालिटी में कोई समझौता नहीं, कहीं पर भी किसी तरीके का समझौता नहीं, और पूरी तरीके से कमीशनखोरी से लेकर के कहीं पर भी कमी नहीं आएगी, चाहे सड़कों का काम हो, चाहे सिंचाई विभाग का काम हो, चाहे पुलों का काम हो, चाहे हैंडपंप का काम हो, नलकूप का काम हो, चाहे पुलों का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, कमीशनखोरी में कमी नहीं आएगी। हम सीधे आपके लिए चलते हैं अपने संवाददाता अनूप श्रीवास्तव के पास। अनूप, संदर्भ क्या था, किस मामले में ये बयान दे रहे थे शिवपाल यादव? देखिए, शिवपाल यादव के साथ पिछले दो तीन दिनों में जो कुछ हो रहा है वो उल्टा ही हो रहा है। इसके पहले आपने जैसे बताया हमारे दर्शकों को भी, दो दिन पहले एटा में जिला योजना की समिति में ये बैठक चल रही थी और वहां पर इन्होंने कह दिया कि अगर आप मेहनत से काम करोगे, लगन से काम करोगे तो छोटी मोटी चोरी उसको अनदेखी करेंगे। और उससे एक दिन के बाद तुरंत उन्होंने इस बात की सफाई भी दी थी लखनऊ में, कहते हैं उनका कोई मंशा नहीं था, उनकी मंशा ये थी कि काम जो भी हो रहे हैं वो ठीक ढंग से हो। लेकिन आज एक बार फिर उनकी जुबान फिसल गई जब इलाहाबाद में कुंभ मेले की तैयारियों का जायजा लेने गए थे, और एक बार फिर उन्होंने कह दिया कि कमीशनखोरी जो है उसको नजरअंदाज करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, और शिवपाल के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है छोटा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हमारे दर्शकों को याद हो, भिखारी कांड के दौरान भी उन्होंने उनकी जुबान फिसली थी और उन्होंने कह दिया था कि ऐसे हादसे तो छोटे मोटे हादसे तो होते रहते हैं। तो शिवपाल की बात है, शिवपाल जी का ये जाना पहचाना रूप है और अक्सर बोलते बोलते वो क्या बोल जाते हैं उनको खुद समझ में नहीं आता। लेकिन जहां तक मंशा का सवाल है तो उनकी मंशा ये थी कि जो काम हो रहे हैं वो ठीक ढंग से हो, और शायद इसी वजह से कहीं कोई गड़बड़ी नहीं।